भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। कैसे फैशन में डूब रहे हैं हम, कैसे आधुनिकता में डूब रहे हैं, शादी विवाह में जमकर रात्रि भोज हो रहा है। ध्यान रखिए, नाम के लिए दिन में शादी करते हो, भोजन तो रात में ही हुआ करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, ये परंपराओं पे रोक लगे नहीं तो हमारा धर्म ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता है। कोई भी धर्म, कोई भी समाज जिसमें हिंसा हो, व्यभिचार हो, जिसमें झूठ हो, जिसमें छल फरेब हो, वो ज्यादा दिन तक स्थायी नहीं रह सकता है। ध्यान रखिए, एक आदर्श समाज का निर्माण करो। कैसे अपना अस्तित्व बचाएंगे हम यदि हम अपने चरित्र खो देंगे। आपसे श्रावक का 1% चरित्र निभता नहीं है, मुनियों के चरित्र पे प्रश्न चिन्ह लगाया करते हो। एक बात याद रखना, जैन समाज से मैं कहने जा रहा हूं, भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 90% मुनियों का चरित्र हमने पाल रखा है। ध्यान रखिए, 10% स्खलन हो सकता है। कलयुग है, पंचम काल है, सहननहीन है। 10% मैं अपने द्वेष स्वीकार करता हूं कि आज के इस युग के मुनियों में 10% चरित्र में स्खलन होगा, लेकिन 90% चरित्र आज भी दिगंबर मुनि पाला करता है, आज भी जैन मुनि 90% चरित्र पालते हैं। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारा 90% श्रावकाचार है? बताइए, मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। साधु तो आज भी महावीर एक टाइम भोजन, हम भी एक टाइम भोजन करते हैं। महावीर ने केस लॉन्च कहा, हम भी केस लॉन्च किया करते हैं। महावीर ने पदविहार किया, हम भी पदविहार करते हैं। महावीर ने कहा खड़े खड़े खाना, हम खड़े खड़े भोजन करते हैं। आज भी 90% चरित्र महावीर का हम जीते हैं। तुम्हारे पास तो 1% भी चरित्र नहीं बचा मेरे भाई। ना तुम रात में भोजन छोड़ पाए, ना तुम झूठ बोलना छोड़ पाए, ना तुम दगाबाजी छोड़ पाए, ना प्रपंच छोड़ पाए। क्या है आपके जीवन में बताइए? आहार को उठा कर किस गद्दी पर रख दिया जाए तो एक आदमी भी साधु को आहार देने के योग्य नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, एक भी श्रावक नहीं है जो मुनि को आहार दे सके। मेरे भाई, कौन सा चरित्र बचाया है तुमने? कह सकते हो कि 90% श्राव का चार हमारे अंदर है? ना अभिषेक करते, ना पूजन करते, ना धर्म ध्यान करते। हाँ, पंचायतें ज्यादा होती हैं दुनिया भर की। चीटा कसी, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, इससे समाज चलेगा? आदर्श स्थापित करो भाई। आपसे मेरा निवेदन, सोचना है आपको, विचार करना है। बड़ी विनम्रता से मैं आग्रह कर रहा हूं आपसे, एक स्वस्थ समाज का निर्माण करिए। स्वस्थ समाज चरित्र और आचरण से स्थापित हुआ करता है। अहिंसा और अपरिग्रहवाद कहां है हमारे पास? यदि मैं एक एक श्रावक का चरित्र देखने लगू ना, तो ये समझना कि मुझे उपास ही करना पड़ेंगे, आहार तो मिलने वाले हैं नहीं है। ध्यान रखना, सबके चरित्र खराब हो गए। किसकी आत्मा पवित्र है? कोई मसाला खाता है, कोई शराब पिया करता है। आज की समाज दोहरा जीवन जी रही है, मंदिर में पानी छान कर बाहर शराब पी रही है। आज की समाज दोहरा जीवन जी रही है। ध्यान रख, कैसे धर्म चलेगा ये? मान्यवर, मुझे दुख होता है इस बात का कि आज हम संतों को जेलों के बीच में बैठकर ये कहना पड़ता है कि पानी छान कर पियो, रात में मत खाओ। आज अहिंसक समाज में शाकाहार का प्रवचन करना पड़ता है। ये हम संतों की सबसे बड़ी बदकिस्मती हुआ करती है। ध्यान रखना, हमें जैनों को कहना पड़ रहा है कि अंडे मत खाइए, हमें जैनों को कहना पड़ रहा है कि शराब मत पीजिए। ध्यान रखना, इससे ज्यादा बदकिस्मती क्या होगी हमारी? एक दूसरी कौम को समझाऊं तो बात समझ में आती है। एक समय वह आदर्श था इस जैन समाज का कि अदालत में यदि किसी जैन ने गवाही दे दी तो वो आदर्श हमारे बुजुर्गों ने स्थापित किया था।
फिर किसी और गवाह की जरूरत नहीं पड़ा करती थी। एक जैन ने कह दिया, इसका मतलब कोई सबूत ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज ये है, आज जैन यदि गवाही दे दे तो हजार सबूत मांगती है अदालत हमसे। ध्यान रखिए, ये चरित्र हमने बिगाड़ लिया है अपना। सोचना है आपको कि आज आपके घर ऐसे हैं कि मुनि कभी भी आकर आपके यहां आहार ले ले। अरे आहार लगाने के लिए मीटिंगें होती हैं कि आज का चौका तुम लगा लेना, कल का चौका। हमारे यहां तो नहीं लग सकता। बोले क्यों? थोड़ा डिस्टर्ब है, थोड़ी दिक्कत है, हमारे यहाँ चौका नहीं लग सकता। बोले क्यों? अड़चन है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ चौका नहीं लग सकता है, दादाजी बाहर गए। ये स्थिति है। पहले के मुनि जो होते थे ना, किसी भी जैन श्रावक के घर जाके खड़े हो जाए तो श्रावक पड़गा के उन्हें आहार प्रदान कर दिया। ये खान पान बदल गया हमारा। मान्यवर, बातें बुरी लग रही होंगी, चुभ रही होंगी, लेकिन चुभना चाहिए। मैं माफी नहीं मांगूंगा, ध्यान रखना। कि तुम सोचो तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं बोलूं कि मुझे माफ कर दो, बिल्कुल नहीं। तुमको बुरा लगना चाहिए, और इतना बुरा लगना चाहिए, इतना बुरा लगना चाहिए कि अपने आप तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाए और तुम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाओ। ध्यान रखिए, आज जैन है, ये बच्चे घूमते हैं, ये छोरे घूमने जाते हैं, पर्यटक स्थलों पे जाते हैं। वेज नॉन वेज दोनों का एक ही होटल है, वहां पर वेज खा लिया करते हैं। मेरे महावीर तो कहते हैं कि नॉन वेज होटल का यदि तुमने पानी भी पी लिया तो तुम्हें मांसाहार का पाप लगा करता है, मांसाहार का पाप के अपराधी आप हो जाते हैं। हम तो ऐसे लोगों का छुला हुआ पानी भी पीना पसंद नहीं किया करते। आप अपने बच्चे को ये नियम नहीं दे सकते हो कि बेटा प्यासा रह जाना, लेकिन कभी भी मांसाहारी होटल का पानी भी पीने का प्रयास मत करना अपनी जिंदगी में। ध्यान रखिए, मुंबई में मैं गया, ऐसे ऐसे परिवार हैं, ऐसे ऐसे घर हैं जहां बाप बेटे मिलकर शराब पी रहे हैं, जैन समाज के लोग। वह आके मंदिरों में, समाजों में माला और तिलक धारण करते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, चरित्र बदलिए अपना, व्यवहार बदलिए अपना, वरना ये समाज पतन की ओर चला जाएगा। ध्यान रखिए, आलू प्याज बनता है तुम्हारे यहां, बरातों में बनता है, शादियों में बनता है। नहीं मेरे भाई, ये संस्कृति तुमने आज ना बचाई तो आने वाले मुनि अकेले क्या करेंगे, वो कितना संभालेंगे? मुनि केवल उपदेश कर सकता है, श्रावक को उसका पालन करना चाहिए, तब जाकर 18,000 वर्ष तक ये जैन धर्म जिंदा रहेगा। ध्यान रखिए मान्यवर, क्या कर रहे हैं हम लोग, विचार करिए। आज एक सिख परेशान होता है तो दूसरा सिख भाई उसका सहारा बनता है। आज जैन परेशान है तो जैन सहारा बने, इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। मान्यवर, आप जैनों को रोजगार क्यों नहीं दिलाते हैं, अपने यहां सर्विस में क्यों नहीं रखते हैं, जैनों को बढ़ावा क्यों नहीं? छोटी सी समाज है, तुम्हें तो सरकार से भी कुछ मिलने वाला नहीं है, तुम्हारे दम पे तो सरकार भी नहीं बना करती है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, इस समाज को यदि आदर्श समाज बनाना है तो जरूरतमंद जैनों को नौकरी दिलाने का संकल्प उठाइए अपने जीवन में। इस समाज को यदि आगे बढ़ाना है, जैन जैन के व्यापार को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे के काम आए, समाज से भी बालक बालिकाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए, उनकी पीठ थपथपाना चाहिए। लेकिन नहीं होता है मान्यवर। ये प्रवचन आप ये मत समझना कि मैं केवल जैन समाज के लिए कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ब्राह्मण समाज ब्राह्मणों का उद्धार करे, माहेश्वरी माहेश्वरी का उद्धार करे, जैन समाज का उद्धार करे, मुसलमान मुसलमान का उद्धार करे। यदि हर कौम अपनी अपनी कौम को मजबूत बनाने में जुट गई, यदि देश की सभी कौमें मजबूत हो जाएंगी, मेरा भारत अपने आप मजबूत बनकर के खड़ा हो जाएगा।